नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज वसई अंतर्गत शिवसेना उद्धव बाला साहेब गुट ने वसई की कुबेरा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले समय में 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक उन्होंने कार्यक्रम जो शुरू करने वाले हो जा चर्चा, इस कार्यक्रम की जानकारी पूरी मीडिया को दी। दरअसल पिछले 9 साल से देश में मोदी सरकार है और इस मोदी सरकार में कई वादे किए गए लोगों से, लेकिन और कई योजनाओं का ऐलान किया गया, लेकिन क्या वे योजनाएं लोगों तक पहुंची है, इसकी जागरूकता फैलाने उद्धव बाला साहेब गुट ये एक अलग कार्यक्रम करने वाला है, हो जा चर्चा। इसमें पूरे पालगढ़ जिले में अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह पर उद्धव बाला साहेब गुट के पदाधिकारी जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे ये सवाल करेंगे कि क्या आपको योजनाओं का लाभ मिला। तो इसी पूरी योजना की जानकारी देने आज वसई के कुबेरा होटल में उद्धव बाला साहब गुट के पालगढ़ जिला प्रमुख पंकज देशमुख और वहीं दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो आप देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सुनिए इनके पूरे विचार, क्या क्या बिंदु पर ये कहने वाले हैं। इन्होंने जहां एक तरफ देश की मोदी सरकार को घेरे में लिया, वहीं राज्य की वर्तमान सरकार शिंदे फडणवीस सरकार उस पर भी निशाना साधा, और स्थानीय लेवल पर महानगर पालिका लेवल पर महानगर पालिका के खिलाफ भी इन्होंने कहा कि महानगर पालिका में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी मुद्दों पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब गुट इस समय अपनी कमर कस चुकी है और आने वाले समय में लोगों के बीच जाने वाली है। देखिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। अभी के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसमें हमको सामान्य लोगों के पदक जाना है और उनको जो योजना आज 9 साल से बोली जाती है, नई नौकरी होने दो, रोजगार के संबंध में होने दो, या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बारे में होने दो, या गैस की कीमतें जो घरेलू गैस है उसके बारे में जो कीमत कम होने वाली थी वो हुई कि नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा 15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए, ये सब मुद्दे हमको उनपे जाके चर्चा करना है। ये चर्चा कहाँ कहाँ होने वाली है? ये चर्चा लगभग 40 से 50 जगह वसई में, 40 से 50 जगह विरार में, 40 से 50 जगह नाला सोपा, ऐसे पूरे वसई विरार क्षेत्र में ये चर्चा अलग अलग पदाधिकारी हमारे ये चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा मुद्दे पर होगी या स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी? स्थानीय मुद्दे के ऊपर भी होगी, जहाँ का स्थानीय मुद्दा जो होगा, जैसे नाला सोपारा का मुद्दा नाला सोपारा में होगा, वसई का मुद्दा वसई का स्थानीय मुद्दा होगा, विरार का मुद्दा विरार होगा। आपने अभी अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही जिसमें एक तरह के बड़े आरोप भी लगाए, तो क्या वास्तव में? आरोप नहीं लगाए हमने, जो टेंडर निकाले महापालिका ने वो लोगों को बताए। आज 21 करोड़ रुपए महापालिका रास्ता ऊंचा करने वाली है और आधे सोसाइटी को पानी में डुबाने वाली है, ये हम लोगों को बोलने वाले। क्या लगता है चर्चा अभियान से जनता का क्या कुछ मुनाफा होने वाला है? जनता को जागरूक करेंगे, उनका प्रबोधन करने का कोशिश करेंगे। नहीं, चुनाव अभी कहीं डिक्लेयर हुए नहीं है, तो डिक्लेयर हुए आने वाले समय में तो होने वाले। हम राजकीय पक्ष है तो हमको हमारे शिवसेना को कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, हम लोगों में रहते हैं। तीनों पक्ष शामिल होंगे कि शिवसेना है? अभी फिलहाल तो शिवसेना है और हमने हमारे सहयोगी पक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारी बातचीत शुरू है। इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं आप? हो दे चर्चा, ये अभियान चल रहा है एकदम शॉर्ट में। बड़े बड़े मुद्दे नहीं, बड़े मुद्दे पानी मिलने का मुद्दा स्थानिक है, पानी भरने का मुद्दा और पानी मिलने का मुद्दा। इस प्रेस नोट में आपने मेंशन किया है कि 2019 से लेकर 2021 तक जिन महिला कई लाख महिलाएं गायब हुई हैं, तो वो आंकड़ा जो आपने पेश किया है वो आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो इससे क्या कुछ पूरे भारत भर भारत भर हमारी सरकार महाराष्ट्र से भी कुछ महिलाएं? हाँ, तो उसमें भी हम फॉलोअप करेंगे ना, अभी ये सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए ना। शिवसेना विधानसभा इलेक्शन लड़ने की जो कोशिश कर रही है, राजकीय पक्ष है हम, तो हमारे जो वरिष्ठ आदेश देंगे वो होगा। तब से आपका आंदोलन चालू होने वाला है? ये 1 से 12 तक हमारा हो दे चर्चा ये कार्यक्रम,
हमेशा शिवसेना की भूमिका आक्रामक रही है, अभी ऐसा क्या मामला कि शिवसेना अभी चर्चा के मोड में जा रही है? ये देखो, सिचुएशन बदलते रहते, वैसे हम हर एक जो तरीके है वो अपनाते। जानकारी क्या है इसकी? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो सरकार है वो जनता प्रति उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। ये जो संकल्पना है लोकशाही की, सरकार खाली घोषणा कर रही है और सत्ता काल में जो जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शैक्षणिक क्षेत्र में असमानता है, आर्थिक क्षेत्र में असमानता है, ये सब जो चीज जो लोकशाही में लोगों प्रति उत्तरदायित्व की जो होनी चाहिए, इसके लिए जनता में जाके आज हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी, उन्होंने पूरे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि जनता में इस सब प्रश्नों की चर्चा करें। जब जनता जागरूक उठेगी तो ही जो अपेक्षित परिवर्तन जो है जनता को भी चाहिए और राजकीय दृष्टि से पक्ष को भी चाहिए वो हो सकता है, ये उसकी भूमिका है। ये अभियान कब शुरू होगा, कब तक चलेगा? ये अभियान 1 तारीख से शुरू होगा, 12 तारीख तक चलेगा। पूरे नागला बंदर से लेके पूरे अरनाला तक सभी गांव में, हर चौक में, नाला सोपारा विरार में ये चौक सभा होगी, जहां जहां भी कार्यकर्ताएं और चर्चा सत्र आयोजित करेंगे, उस चर्चा सत्र में भी इस जनता के मुद्दों की और सरकार की जो घोषणा है जो आज तक उसकी पूर्तता नहीं हुई है, उसके बारे में जनता में उसका जनता के साथ उसका संबंध और जनता के साथ उसकी चर्चा हो जाएगी। इस प्रेस नोट में लोकेशन के तौर पर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, शहरी क्षेत्रों में ये चर्चा होगी? नहीं, नवगर मणिपुर इसमें है, यहाँ में ये जो दिया है वो 133 विधानसभा क्षेत्र का अरनाला से लेके नागला बंदर तक का एरिया इसमें कवर किया है, और भी अगले 10 दिन में जहां जहां कार्यकर्ता और भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे मैंने बोला चर्चा सत्र आयोजित करेंगे या चौक सभा आयोजित करेंगे, इनकी संख्या आज 40, 45, 50, 60 तक है, वो 100 तक चली जाएगी। क्या लगता है, हो गया चर्चा, अभियान का निष्कर्ष क्या कुछ निकल कर आएगा सार्थक? पहले शिवसेना काफी आक्रामक देखी जाती थी, लेकिन अब शिवसेना पूरी तरीके से शांत नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल शांत है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि शांत है, लेकिन जो भी संघर्ष है, जो भी परिवर्तन चाहिए, उसमें जनता का सहभाग चाहिए। शिवसेना, शिवसैनिक ये जनता प्रति उनका उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, लेकिन आज हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने ये स्पष्ट किया है कि आगे शिवसेना के साथ जो जनता है, उस जनता को भी हर आंदोलन में, हर प्रश्नों के ऊपर अपने साथ में लेके और संघर्ष तीव्र करना है। केंद्रीय मुद्दे अलग है, स्थानीय मुद्दे अलग है, आप जनता में किस तरह के मुद्दे पहुंचाएंगे? नहीं, ये इस चर्चा सत्र में हम तीन स्तर के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। केंद्र के जो मुद्दे हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र के भी मुद्दे हैं कि महाराष्ट्र की बड़ी कंपनियां, महाराष्ट्र के बड़े शासकीय कार्यालय यहां से गुजरात चले जा रहे हैं, इसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता की रोजी रोटी पे भी हो रहा है और महाराष्ट्र के आर्थिक नियोजन पे भी हो रहा है। तो महाराष्ट्र के भी बहुत सारे मुद्दे हैं और उसके बाद में ग्रामीण वसई तालुका लेवल पे पिछले 30 साल से जो जनता पीड़ित है, जो भुगत रही है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा होगी। हर मुद्दे पे चर्चा करके एक बड़ा जन आंदोलन शिवसेना खड़ी करनी चाहती है, हमारे पक्ष प्रमुख खड़ा करना चाहते हैं, और हम सब हर शिवसैनिक पदाधिकारी और शिवसैनिक इसके लिए 1 तारीख से कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।